दोस्तों, आज हम बात करेंगे ग्लेज कंपनी के एक बेहतरीन प्रोडक्ट, जिस प्रोडक्ट का नाम है जी वैम एक्सट्रीम पावर। गेलवे क्रिसम जी वैम एक एंडोमाइकोराइजा फफूंद पर आधारित जैविक खाद है, जिसका रिश्ता जड़ व फफूंद के बीच होने के कारण फसलों को बहुत लाभ होता है। यह जमीन में एक धागानुमा माइसीलियम छोड़ देता है, जो कि जमीन के अघुलनशील फास्फेट को घोलकर पौधों को देता है। यह नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी काम करता है। फास्फोरस का पौधों द्वारा अधिक मात्रा में प्राप्त करना, सूक्ष्म तत्व जैसे जिंक, मैग्नीज, लोहा, कॉपर, कोबाल्ट एवं मोलिब्डेनम का आसानी से पौधों द्वारा प्राप्त करना, पौधे द्वारा पानी की अधिक प्राप्ति, कीट व अन्य हानिकारक बीमारियों से बचाव, पौधों का सूखे के प्रति व क्षारीय या लवणीय मिट्टी के प्रति सहन शक्ति का बढ़ावा, जड़ क्षेत्र में सूक्ष्म जीवों की अधिकता, रासायनिक खादों के प्रयोग में 25 से 40% तक बचत की संभावना, फास्फोटिक खादों के प्रयोग में 50% तक की बचत की संभावना। आप कौन सी फसल में आप यूज़ कर सकते हैं? वैसे तो जी वैम एक्सट्रीम पावर माइक्रोराइजर को आप सभी फसल में आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि गेलवे क्रिसम जी वैम का प्रयोग प्रायः सभी फसलों जैसे गेहूं, धान, गन्ना, आलू, प्याज, लहसुन, मूंगफली, कपास एवं सब्जियां व बागानों में किया जा सकता है। इसका आप प्रयोग कैसे करेंगे? सभी फसलें जैसे कि गन्ना, आलू, एक प्याज में 4 से 8 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से गोबर की या जैव खाद के साथ ही करें। खेत में प्रयोग के बाद हल्का पानी दें। बागों में इसकी मात्रा 5 से 10 ग्राम प्रति पौधा है। ध्यान रहे कि इसे जमीन में 3 से 4 इंच तक नीचे ले जाएं, ताकि यह फीडर जड़ों के संपर्क हल्का पानी दें। इसका प्रयोग सुबह या शाम में किया जा सकता है और इसको विशेषतः प्रयोग से पहले छाया में रखें। सो दोस्तों, आपको जी वैम एक्सट्रीम पावर के बारे में पूरी जानकारी मिली होगी। आप हमारे चैनल में बने रहने के लिए सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें, जिससे आपको इस तरह के वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। सो थैंक यू, धन्यवाद।